शिक्षा क्रांति लाएंगे हम, आगे बढ़ते जाएंगे, ज्योति जगा कर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक जरोखा का पेज नंबर 22 करेंगे। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि पिछली वीडियो में हमने ये जो चित्र दिए हुए थे उनके हमने नाम लिखे थे। जैसे ये बर्तन ठीक कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, ठठेरा। ये झगड़े कर रहे हैं, इनको समझा रहा है या इनको पकड़ रहा है, इनको हम क्या कहेंगे, पुलिस। जो सफाई करते हैं उनको क्या कहेंगे, सफाई कर्मी। इसी तरह जो से हॉस्पिटल में, अस्पताल में जो रोगियों की सेवा करते हैं उसे नर्स या सेविका। जो जूते ठीक करते हैं उनको क्या कहते हैं, मोची। कपड़े की सिलाई करता है, दर्जी। इसी तरह जितने भी ये सारे जो काम थे उनको हम क्या कहते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आज हम करेंगे पेज नंबर 22। तो पेज नंबर 22 में हमें क्या दिया हुआ है, पेज नंबर 22 में हमें दिया है मिलान करो। हमें किसका मिलान करना है, यहाँ देखिए, कपड़े सिलवाने के लिए हम किसके पास जाते हैं, इसके सामने क्या दिया हुआ है, कुम्हार। तो क्या हम कपड़े सिलवाने के लिए कुम्हार के पास जाते हैं। इसी प्रकार क्या गाड़ी ठीक करवाने के लिए हम दुकानदार के पास जाते हैं। इसी प्रकार जो अपना राशन होता है उसको लाने के लिए हम मोची के पास जाते हैं या किसी और के पास। मटका या गढ़ा खरीदने के लिए हम दर्जी के पास जाते हैं या किसी और के पास जाते हैं। जूतों की मरम्मत के लिए किसके पास जाते हैं, हम मैकेनिक के पास। तो ये इधर जो काम दे रखे हैं और इधर उन काम करने वालों के नाम दे रखे हैं। जैसे कपड़े कौन सिलता है उसको हम क्या कहते हैं, उनके नाम दे रखे हैं। तो इन्हीं को हमें आपस में मिलाना है, मिलान करना है। तो सबसे पहले कपड़े सिलवाने के लिए हम किसके पास जाते हैं, कपड़े सिलवाने के लिए हम किसके पास जाते हैं। इधर उनके नाम लिखे हुए हैं, कुम्हार के पास, दुकानदार के पास, मोची के पास, दर्जी के पास या मैकेनिक के पास। किसके पास जाते हैं बच्चे हम, किसके पास, हाँ कपड़े सिलवाने के लिए हम किसके पास जाते हैं, दर्जी के पास। किसके पास जाते हैं, दर्जी के पास। ये तो हमने कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी से हमने मिलान कर दिया कि कपड़े सिलवाने के लिए किसके पास जाना पड़ता है, हमें दर्जी के पास जाना पड़ता है। उसके बाद है कि गाड़ी ठीक करवाने के लिए, गाड़ी कहाँ ठीक होती है, किसके पास जाते हैं हम, कुम्हार करता है क्या गाड़ी ठीक, दुकानदार करता है, मोची ठीक करता है या फिर मैकेनिक, कौन करता है, हाँ कौन, मैकेनिक। गाड़ी को ठीक कौन करता है, मैकेनिक करता है। तो हम गाड़ी को ठीक करवाने के लिए मैकेनिक के पास जाते हैं, गाड़ी को ठीक करवाने के लिए हम मैकेनिक के पास जाते हैं। उसके बाद है नीचे ये राशन दिया हुआ है, इधर ये तेल है, ये इधर घी का डब्बा है, ये नीचे कुछ और है। ये राशन का मतलब दालें हो सकते हैं, ये आटा हो सकता है या अनाज या चावल कुछ भी हो सकता है। तो जो राशन है इसको लाने के लिए हम किसके पास जाते हैं, कुम्हार के पास या दुकानदार के पास या मोची के पास। किसके पास जाते हैं हम, राशन लाने के लिए हम दुकानदार के पास जाते हैं, राशन लाने के लिए दुकानदार के पास जाते हैं। तो समझ में आ रहा है ना बच्चों कि ये काम करवाने के लिए हम किस किस के पास जाते हैं। उसके बाद है मटका या घड़ा, मटका या घड़ा खरीदने के लिए हम किसके पास जाते हैं। हमारे पास दो बच गए हैं, एक कुम्हार दूसरा मोची। तो सोचिए मटका या घड़ा किसके पास मिलता है, मोची के पास मिलता है या कुम्हार के पास। हाँ आपने कल की वीडियो देखी होगी, है ना, जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने अच्छी तरह बताया था कि घड़ा कौन बनाता है, मटका कौन बनाता है। तो कौन बनाता है, कुम्हार। कौन बनाता है, कुम्हार। अब आखिर में दिया हुआ है
कि जूतों की मरम्मत के लिए हम किसके पास जाते हैं? जूतों की मरम्मत के लिए हम किसके पास जाते हैं? हम किसके पास जाते हैं? मोची के पास। किसके पास जाते हैं? मोची के पास। तो बच्चों, आज हमने ये काम दिए हैं और इनको हमें किससे मिलाना है? काम करने वाले को क्या कहते हैं? ये इधर हमें काम दिए हैं, जैसे कपड़े सिलना, गाड़ी ठीक करना, मटके बनाना, जूते ठीक करना, ये उनके काम है। और इनको काम करने वालों को हम क्या कहते हैं? जैसे जूते ठीक करने वाले को हम मोची कहते हैं, सिलाई करने वाले को हम दर्जी कहते हैं, गाड़ी ठीक करने वाले को मैकेनिक कहते हैं, घड़ा बनाने वाले को हम कुम्हार कहते हैं, और सामान बेचने वाले को क्या कहते हैं? हम दुकानदार। तो बच्चों, आज की वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल शिक्षा क्रांति को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।